हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल सूर्य एजुकेशन हेड में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो सीबीएसई बोर्ड के जितने भी सारे स्टूडेंट हैं उन सभी का जो रिजल्ट है उसे 10th क्लास का वो कब घोषित किया जाएगा, तो उसी के बारे में आज पूरी बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और साथ ही इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के बताइए कि वीडियो कैसा लगा। साथ ही इसी तरह के अपडेट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पर जा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे दिया रहेगा, और साथ ही सीबीएसई बोर्ड की वेबसाइट का भी लिंक नीचे दिया रहेगा। तो चलिए हम आपको स्क्रीन पर लेकर चलते हैं, बताते हैं कि आपको जो रिजल्ट है 10th क्लास का सीबीएसई बोर्ड का वो कब आने वाला है। तो चलिए हम टाइम्स ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर आ चुके हैं, जहां पर एक आर्टिकल यहां पर दिया गया है कि सीबीएसई क्लास 10th रिजल्ट बाय जून 20, क्रिटेरिया ऑफ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रिलीज। यहां कहा जा रहा है कि द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन ऑन सैटरडे रिलीज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन ऑन सैटरडे रिलीज द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला फॉर क्लास 10th स्टूडेंट विल बी प्रमोटेड। इन्हें जो दसवीं में पढ़ रहे हैं और इनका एग्जाम नहीं लिया जाएगा और प्रमोट कर दिया जाएगा 11th क्लास विदाउट होल्डिंग फाइनल। यहाँ कहा जा रहा है विदाउट होल्डिंग फाइनल बोर्ड एग्जाम ड्यू टू कोविड पेंडेमिक कारण आप लोगों को 11th क्लास में प्रमोट किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि आप लोगों का कितना नंबर का रहता है, यही सब और बाकी कुछ नहीं है, ये सब तो आप जानते ही होंगे। उसके बाद फिर नीचे दिया गया है कि न्यू दिल्ली द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑन सैटरडे रिलीज, यानी सैटरडे को रिलीज किया जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला फॉर क्लास 10th स्टूडेंट हु विल बी प्रमोटेड फॉर क्लास 11th विदाउट होल्डिंग फाइनल एग्जामिनेशन ड्यू टू कोविड पेंडेमिक। यहाँ भी वही कहा जा रहा है कि आप लोगों को प्रमोट किया जाएगा और कोविड 19 पेंडेमिक के कारण आप लोगों को 10th का एग्जाम नहीं हुआ और 11th में आप लोगों को प्रमोट किया जा रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोगों को मार्क्स के बारे में दिया गया है कि आप लोगों को कितना मार्क्स असेसमेंट का रहता है और कितना मार्क्स आप लोगों को एग्जाम देने का रहता है, यही सब दिया गया। उसके बाद फिर दिया कि ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन द असेसमेंट ऑफ 80% मार्क्स विल बी डन बाय द स्कूल, यानी 80% मार्क्स स्कूल 20 मार्क्स तो ऐसे ही मिलते हैं प्रैक्टिकली, और जो 80% मार्क्स जो एग्ज़ाम देने के लिए रहते हैं उसका जो मार्क्स है, देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि उसका जो मार्क्स है वो कैसे दिया जाएगा, बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन द डिफरेंट टेस्ट या एग्जाम कंडक्टेड बाय द स्कूल ड्यूरिंग द ईयर। यानी आप लोगों ने अपने स्कूल में जो एग्ज़ाम दिए होंगे या फिर 9th हो 10th हो 10th का जो फर्स्ट एग्ज़ाम होता हो वो हो, आप लोग उसी के आधार पर आप लोगों का जो रिजल्ट है उसे जारी किया जाएगा। उसके बाद फिर दिया गया कि द मार्क्स शुड बी इन कंसेंसेंस विथ द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द क्लास इन द क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। आप लोगों को जो मार्क्स दिया जाएगा आप लोगों को प्रीवियस जो भी एग्ज़ाम दिए हैं उसके आधार पर दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं पीरियोडिक टेस्ट यूनिट टेस्ट 10 मार्क्स, हाफ ईयरली मिड टर्म एग्जामिनेशन 30 मार्क्स, उसके बाद प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 40 मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स। यहाँ पर दिया है कि पीरियोडिक टेस्ट जो होते हैं उसके आधार पर 10 मार्क्स रहेंगे। उसके बाद आप लोगों को हाफ ईयरली जो एग्ज़ाम होते हैं स्कूल में, मिड टर्म एग्जामिनेशन जो स्कूल में होते हैं उसके आधार पर 30 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद प्री बोर्ड जो एग्जामिनेशन होते हैं, जो बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले जो स्कूल में एग्जामिनेशन होते हैं उसके आधार पर 40 मार्क्स दिए जाएंगे, फिर इंटरनल असेसमेंट यानी 20 मार्क्स उसके आधार पर आप लोगों को दिया जाएगा। इसी आधार पर आप लोगों का जो रिजल्ट है उसे जारी किया जाएगा। और बोर्ड ने यह भी कहा है कि आप लोगों को जो जिससे भी आप लोगों को अगर इस रिजल्ट से मतलब कि खुश नहीं है वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। बोर्ड के द्वारा यह साफ कहा गया है कि आप लोगों का जो भी इस रिजल्ट से खुश नहीं होंगे एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद दिया गया कि इन केस स्कूल हैव कंडक्टेड मोर देन वन टेस्ट या एग्ज़ाम विथ इन ईच कैटेगरी द रिजल्ट कमिटी में फिक्स द वेटेज टू गिव इन टू ईच टेस्ट एग्जाम विथ इन द कैटेगरी सब्जेक्ट टू द ओवरऑल मैक्सिमम मार्क्स फॉर डेट कैटेगरी। यहाँ कहा जा रहा है कमेटी के द्वारा फिक्स किया जाएगा कि आप लोगों को एग्ज़ाम इस प्रत्येक टेस्ट और एग्ज़ाम के आधार पर आप लोगों का जो कितना मैक्सिमम मार्क्स दिया जाए। उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि फॉर एग्जाम्पल इफ स्कूल हैज कंडक्टेड 2 या 3 प्री बोर्ड एग्जाम इट मे डिसाइड टू टेक एवरेज, यानी आप लोगों को जो भी
स्कूल में प्री बोर्ड एग्ज़ाम या फिर 2 या 3 एग्ज़ाम 3 जितने भी एग्ज़ाम दिए होंगे उसको उसी के आधार पर टेक द बेस्ट परफॉर्मेंस इन द 3 टेस्ट या गिव वेटेज ईच एग्ज़ाम एज कंसिडर्ड सुटेबल। यानी आप लोगों को क्या किया जाएगा कि आप लोगों को 3 एग्ज़ाम का एवरेज निकाल लिया जाएगा, उसी के आधार पर आप लोगों का जो कितना परफॉर्मेंस है, आप किस तरह का स्टूडेंट, उसी के आधार पर आप लोगों का जो रिजल्ट है उसी के आधार पर जारी किया जाएगा। फिर यहाँ देखिए फॉर्मेशन ऑफ रिजल्ट कमिटी बाई स्कूल, फॉर्मेशन ऑफ रिजल्ट कमिटी बाई स्कूल 5 मई 2021 को, उसको प्रोविजन ऑफ सब्जेक्ट सब्जेक्ट वाइज स्कूल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एज पर प्रीवियस बोर्ड 5 मई, उसका फाइनलाइजेशन रेशनल डॉक्यूमेंट 10 मई, कंडक्टेड ऑफ असेसमेंट 15 मई, फाइनलाइजेशन ऑफ रिजल्ट स्कूल 25 मई। इसी तरह से आप लोगों का देखें डिक्लेरेशन रिजल्ट ऑफ वाइज CBSE बोर्ड, यानी 20 जून को आप लोगों का रिजल्ट, इसी तरह जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आप लोगों का जो कंडक्टर जैसे दिया है कंडक्टर ऑफ असेसमेंट, इस 15 मई को आप लोगों को इसका जो डाटा मांगा जाएगा स्कूल से, उसके बाद चेकिंग द मॉडरेशन ऑफ मार्क्स बाय स्कूल, उसके बाद आप लोगों को सभी डाटा जैसे जैसे डेट दिया गया है उसी आधार पर आप लोगों का डाटा स्कूल से मांगा जाएगा, उसके बाद आप लोगों का जो रिजल्ट है उसे जून 20 जून 2021 को आप लोगों को जारी कर दिया जाएगा। फिर दिया गया कि द बोर्ड हैज आस्क्ड स्कूल टू फॉर्म ए 8-member रिजल्ट कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ प्रिंसिपल एंड 7 टीचर्स फॉर फाइनलाइजिंग द रिजल्ट। 5 टीचर्स फ्रॉम द स्कूल शुड बी फ्रॉम मैथमेटिक्स सोशल साइंस साइंस एंड 2 लैंग्वेज एंड 2 टीचर्स फ्रॉम नेबरिंग स्कूल्स शुड बी कोप्टेड बाई द स्कूल एज एक्सटर्नल मेम्बर्स ऑफ द कमिटी। फिर कहा जा रहा है कि द CBSE हैड ऑन April 14 कैंसिल क्लास 10th एग्जाम एंड पोस्टपोन क्लास 12th एग्जाम इन व्यू ऑफ सर्ज COVID-19 केसेस। तो आप लोगों ने देखा कि आप लोगों का जो रिजल्ट है 20 जून 2021 को आएगा था, और आप लोग को हमने बताया कि आप लोगों का जो किस तरह से आप लोगों का रिजल्ट लिया जाएगा, किस तरह से आप लोगों का जो डाटा है स्कूल में उसको किस तरह से CBSE बोर्ड के द्वारा कैसे यूज किया जाएगा, उसी के आधार पर आप लोगों का एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है मतलब रिजल्ट है उसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो और बहुत सारे स्टूडेंट जो भी नहीं खुश होंगे इस रिजल्ट से, उसके लिए भी कहा गया है कि जो भी स्टूडेंट खुश नहीं होंगे वो अपने या फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं, मतलब एग्ज़ाम दे सकते हैं, एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि हम इस मार्क्स से नहीं खुश हैं तो एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद देखिए हम आपको एक और पेपर दिखाते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं जागरण जो पेपर है उसी के वेबसाइट पर आ चुका है। यहाँ पर दिया गया कि CBSE ने 10वीं बोर्ड की रद्द परीक्षा के लिए मूल्यांकन नीति का किया ऐलान, 20 जून को जारी होंगे रिजल्ट। यहाँ भी देखिए दिया गया कि 20 जून को आप लोगों का जो रिजल्ट है उसे जारी किया जाएगा। देश भर में तेजी से फैल रहे, फिर यहाँ देख केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कोरोना की दूसरी लहर के चलते पैदा हुई स्थिति के चलते 10वीं की बोर्ड परीक्षा को शनिवार को अंक निर्धारण नीति की घोषणा की। इस नीति के अनुसार विषय में पहले 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन जबकि 80% अंक पूरे साल के दौरान हुई विभिन्न परीक्षाओं के आधार पर दिए जाएंगे। यानी कि आप लोगों का जो 20 अंक है उसे आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दिया जाएगा, और 80% जो आपने जो भी स्कूल में, यहाँ भी कहा जा रहा है कि जो भी स्कूल में एग्जाम आप लोगों ने दिया है उसी के आधार पर आप लोगों का जो 80% अंक है उसे फिर दिया जाएगा। हालांकि स्कूलों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा प्रदान किया गया अंक 10वीं की पिछली बोर्ड के स्कूलों के प्रदर्शन के अनुरूप हो। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि स्कूल भी कोई गलत डाटा ना दे जिससे किसी को परेशानी हो। और साथ ही यहाँ कहा जा रहा है कि आप लोगों का रिजल्ट है, फिर यहाँ देखिए 20 जून को जारी होगा। 10वीं में इस बार 21.5 लाख बच्चे हैं, यानी 21.5 लाख बच्चे हैं CBSE बोर्ड में, तो सभी का रिजल्ट 20 जून को जारी होगा। तो चलिए धन्यवाद, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करते हैं कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए धन्यवाद।